अम्बाला में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अम्बाला साहा रोड पर खुड्डा के पास बनने वाले रिंग रोड का शिलान्यास करने के लिए आने वाले हैं, जिसे लेकर हरियाणा के गृह मंत्री ने तत्काल प्रभाव से बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। दरअसल अनिल विज ने कार्यकर्ताओं को विकास तीर्थ यात्रा पर पहुंचने के लिए सभी का धन्यवाद किया और आगामी कार्यक्रम के बारे में सबको बताया, साथ ही योग दिवस के बारे में भी जानकारी दी। तो इमीडिएट कार्यक्रम आ गए, एक तो आज नितिन गडकरी जी का पत्र आया और मेरी उनसे बात भी हुई कि वो हमारी रिंग रोड का उद्घाटन करेंगे, वो शिलान्यास करेंगे 20 तारीख को करेंगे। ये रिंग रोड जहाँ अम्बाला साहा रोड को कट कर रही है वहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाएगा, खुड्डा में ये कार्यक्रम किया जाएगा। और शाम को 5:30 बजे आपने वहाँ पर पहुँचना है। वही गृह मंत्री ने जनता दरबार को लेकर बड़ी बात कही। आपको बता दें कि लगातार गृह मंत्री के घर पर फरियादियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर गृह मंत्री ने कहा कि अब हर शनिवार को जनता दरबार लगेगा। सुनिए जरा। मेरे घर में फरियादियों का आना बहुत ज्यादा बढ़ गया, आज तो इतनी संख्या थी, गर्मी इतनी है और वहाँ पे सारों को हालांकि अटेंड तो मैं सबको ही करता हूँ, आज भी मैंने सबको अटेंड किया, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए सारे हालात देखकर ये फैसला किया है कि अगले शनिवार से जनता दरबार बहरहाल लगातार विकास कार्यों की समीक्षा और कार्यों की जानकारी के लिए गृह मंत्री अनिल विज लगातार बैठकें करते रहते हैं, लेकिन जनता दरबार को लेकर अनिल विज बेहद गंभीर नजर आए। सूर्य समाचार के लिए अम्बाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।